वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो दोस्तों, मैंने ये कबाड़े वाले से ये जो ब्लूटूथ स्पीकर लाया था, तो इसको खोलने के बाद मैंने चेक किया कि इसका बैटरी पूरी तरीके से ख़राब है। तो मैंने इसके बैटरी डाला था, बैटरी डालने के एक दो दिन बाद मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया था, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि बैटरी पूरा ख़त्म है। तो मैंने ये इसके सर्किट को मैंने खोला, खोल के पूरा चेक किया, उसके बाद मुझे पता चला कि इसका मेन आईसी हाफ शॉर्टिंग है। इसकी वजह से ये जब नया बैटरी इसमें डालते हैं तो ये चालू तो हो जाता है, लेकिन बैटरी जब फिटिंग रहता है तो उसके बाद होता है कि चार्ज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, बैटरी को डिसकनेक्ट रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक तो अलग से स्विच लगाया है। ये देखिए, ये स्विच है। तो इस स्विच देखिए, ये मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट मैंने लगाया है RGB, ये ब्लिंक करना शुरू होता है। ये ब्लिंक कर रहा है मतलब बैटरी हमारा सर्किट से कनेक्ट हो गया है। अब इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। देखिए, ये ऑन हो गया। अब जब ब्लूटूथ मोड, जब इसको ऑफ करना हो तो हमें ये बैटरी को डायरेक्ट यहाँ से डिसकनेक्ट करना है, मतलब कि ये स्विच को ऑफ कर देना है। तो ये हमारा बैटरी डायरेक्ट डिसकनेक्ट हो गया और हमारा सर्किट से बैटरी अलग हो गया। अब इससे होगा कि हमारा बैटरी का चार्ज ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये जो इसका जो सर्किट था ये बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं था, तो इसको फेंकना ही पड़ता, लेकिन मैंने ये जुगाड़ लगाया है, इससे ये बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैं बहुत दिन से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बढ़िया वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।